समस्तीपुर जिले के खानपुर से भीषण दर्दनाक हादसे की खबर मिली है। बताया जा रहा है कि यहां भीषण अग्निकांड की घटना हुई है, जिसमें करोड़ों की संपत्ति सहित सैकड़ों घरों के जलकर जल जाने की बात सामने आई है। यहां दर्जनों मवेशी जिंदा जल गए हैं। बताया जा रहा है कि समस्तीपुर जिले में खानपुर प्रखंड के कानो बिशनपुर पंचायत की यह घटना है। खैरी पंचायत में गैस सिलेंडर फटने के कारण आग लग गई। आग का इतना उफान बड़ा था कि पास में जो झुमका का पोल था वह भी इसके चपेट में आ गया। उसका तीन तारे गल गए। तेज हवा बहने से आग की लपटों में दर्जनों से अधिक मवेशी जलकर खाक हो गई हैं। दर्जनों मवेशी जख्मी भी हैं। ग्रामीणों के सहयोग से आग को काबू में पाने का लगातार प्रयास किया जाता रहा। आग की लपटें इतनी तेज थी कि वह सैकड़ों घर को अपने अंदर समा लिया। करोड़ों की संपत्ति कुछ ही मिनटों में खाक हो गई। लोग सिर्फ देखते रह गए और कुछ कर पाते इससे पहले ही करोड़ों रुपए के सामान जलकर राख हो गए। आग के सामने में किसी की नहीं चली। आखिर बेबस होकर लोग देखते रहे या आग को बुझाने का लगातार प्रयास करते रहे। मौके पर प्रत्यक्ष दर्शियों ने बताया कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी वह भी मात्र तीन की संख्या में यहां भेजी गई थी। बहुत देरी से फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, वह भी खाली बिना पानी के। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को ग्रामीणों के सहयोग से दमकल से पहले भरा गया, उसके बाद भारी मशक्कत के बाद बचे हुए आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। तब तक सारे घरों के अलावे सभी सामान जल चुके थे। सबसे खास बात यह भी है कि एक भी लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन उनके घर एवं करोड़ों रुपए के सामान नज़र के सामने जलकर राख हो गए हैं। घटना में बेजुबान पशुओं के भी जिंदा जल जाने के अलावे दर्जनों के जख्मी होने की भी घटना सामने आई है। बहरहाल घटना की जानकारी मिलने के बाद समस्तीपुर जिला एवं प्रखंड प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर मामले के घटना में घटित क्षति का आकलन करने के अभियान में जुट गई है। बताया जाता है कि समस्तीपुर जिला मुख्यालय के काफ़ी दूर स्थित खानपुर प्रखंड क्षेत्र में यह घटना कल दोपहर में घटी हुई थी। घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल कायम हो गया। जो जहां जिन्हें भी खबर मिली मौके पर पहुंच गए तथा आग को बुझाने के प्रयास में अपनी भूमिका निभाने लगे। समस्तीपुर से नवीन कुमार वर्मा।